अभी जो केएसआरपी में हूँ, एसपी कमांडेंट हूँ, इससे पहले इंटेलिजेंस में 12 साल काम किया हूँ। वहाँ पे क्या है, ये सारी चीजों को स्टडी करने का एक मौका मिलता है। इंटेलिजेंस में क्या है, पढ़ना, समझना, एनालिसिस करना, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखना और उसे गवर्नमेंट को बता के उसका हल निकालना। तो मेरा शुरुआत की आपसे खिताब यह था कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना है, सो पर्सनालिटी भी अच्छी होना है, हमारी दुनिया भी अच्छी होना है, दुनिया भी अच्छी होना है, माली हालत सबसे अच्छी होना है। अगर घर की माली हालत ठीक नहीं है तो आप दूसरा सोचने नहीं होना, दो वक्त की रोटी कमाने या खाने पीने में या रोज की गुजारिश गुजारा ये करने के लिए हमारा सारा वक्त चला जाता। तो अभी पढ़ने के बाद मैं देख रहा था बच्चे डॉक्टर इंजीनियर अभी छोटे हैं बच्चे, इसलिए उनको वैसा है या उनके फ्रेंड सर्कल वही टाइप के सोचने वाले रहते हैं, बोलते दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, आप डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनिए, उसके साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद आप IAS, IPS, IFS बिजनेस कीजिए, पॉलिटिक्स में आइए, हर फील्ड में हमें आना है, सिर्फ आना है, ये इससे कुछ काम चलेगा? उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट। जिस फील्ड में आप हैं उसमें आपको महारत हासिल करना है, एक्सपर्टाइज हासिल करना है। अब ये सब क्या चाहते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छे से अच्छा इंजीनियर हमारा घर बनाना, या अच्छे से अच्छा टीचर हमारा मिलना हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहते नहीं, वैसा हमें बीच में नहीं होना, वी शुड नॉट बी ए मीडियोकर। एक्सपर्ट होना हमें उस फील्ड में हाईएस्ट नॉलेज हमारे होना, तब जाके पूरी दुनिया में हमारी इज्जत होती है, हमारी डिमांड होती है, तब जाके हमें हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत के लिए काम कर सकते। तो जस्ट उतना ही काम नहीं है, इतने से काम नहीं चलता, जो 35% निकाल दिए या 40% 50% निकाल दिए, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। सारे जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं उनके ऊपर जो IAS ऑफिसर्स रहते हैं वो पूरे 35% 40% के थे। इसलिए मैं बोला डॉक्टर बनो मगर और ऊंचाई पे जाने की आप तमन्ना रखो, इंजीनियर बनो और आगे जाने की तमन्ना रखो। डॉक्टर इंजीनियर ही आखिरी नहीं है, मगर इंसानियत के लिए काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत बहुत जरूरी है पूरी दुनिया में। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हूं, इसलिए पुलिस सर्विसेज के बारे में 5 मिनट आपके लिए बात करता हूं। मैं देखिए आने वाले दिनों में तकरीबन 10,000 से 12,000 पुलिस में जॉब्स निकल रहे हैं। कौन से पोस्ट से शुरू होती है पुलिस में, बेसिक फर्स्ट पोस्ट होता है फॉलोअर यानी KSRP कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस में फॉलोअर्स का पोस्ट होता है। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते बच्चे SSLC में ड्रॉप आउट हो जाते हैं या उनकी माली हालत खराब है या उन्हें या किसी किसी को जॉब लेना या गवर्नमेंट सर्विस में आना बहुत जरूरी रहता है, तो वो लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह सोच रहे ना, आने वाले दिनों में बड़े बड़े शहरों में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, कारपेंटर, मैकेनिक, ये सारे चीजों के लिए भी बहुत डिमांड क्रिएट होगा। तो इसके लिए भी एजुकेशन जरूरत है। पुराने जमाने में क्या होता था, एजुकेशन नहीं रहता था, उन्हें वो काम सीख ले तो सक्सेस हो जाता था, मगर अब एजुकेशन के साथ ये हुनर होना जरूरी है। तो आपको कम्युनिकेशन करना या बड़े बड़े सोसाइटीज में जाना, बड़े बड़े ऑफिसर्स में जाके काम करना, तो यू हैव टू बी क्या ओवरऑल पर्सनैलिटी रहना आपकी। अब जैसा अमेरिका में वगैरह देखा जाता है, वहां का एक घर में काम करने वाला भी ही विल कम इन कार, सूट डालने को आता है, सूट निकालता है, उसकी जॉब का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो कपड़े पहन लेता है, उसका काम करता है, फिर सूट डाल लेता है, फिर कार लेकर चले जाता है। तो लेबर ऑफ डिग्निटी बहुत है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर कम है। तो SSLC जो नहीं क्लियर कर पाते वो लोग फॉलोअर्स के तौर पर कुक, इलेक्ट्रिशियन, बार्बर, धोबी, वाटर कैरियर, ये सारे पोस्ट पुलिस में है, दूसरे सारे के इसमें हलकों में भी ये जॉब्स हैं। और इसके बाद क्या है, कांस्टेबल।
द लोएस्ट ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इज पुलिस कॉन्स्टेबल. आज अभी सेवेंथ पे स्केल होने के बाद उनकी पेमेंट कम से कम 40,000 के आसपास आती है एक महीने की पेमेंट. एंड इट इज ए सिक्योर्ड जॉब. अनलाइक आईटीबीटी इंडस्ट्री में आप अगर फिट हैं, दिमाग ठीक है, सेहत अच्छी है तो आपको रखेंगे और आपसे उनको फायदा हो रहा है तो रखेंगे, नहीं तो लव लेटर देके भेज देते. यू विल बी केयर ऑफ योर पार्ट. डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट केपीएससी से निकलते, उसके लिए भी ग्रेजुएशन ही है, वहां पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, सिर्फ एग्जाम केपीएससी का एग्जाम और इंटरव्यू. उसके हायर लेवल में एसपी पोस्ट के सिलेक्शन होते, उसके लिए भी सिर्फ एनी ग्रेजुएशन है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, बस ये दो ही है जो यूपीएससी से होता है. वो डायरेक्ट एसपी बन गया. तो कौन सा भी काम करो, दिल लगा के करो, मन लगा के करो, अच्छा एक रिजल्ट हासिल करो और इंसानियत के लिए काम करो. इंसानियत का जज्बा रखो, छोटी नजर न करो, बड़ी नजर. एपीजे अब्दुल कलाम जो बोलते थे, अपना ख्वाब बहुत बड़ा होना चाहिए, वो हासिल करते नहीं करते दैट्स डिफरेंट, मगर ख्वाब तो होना चाहिए और उसके रास्ते में हमारी तैयारी शुरू होना. और इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे डीएसएफ है या दूसरे बहुत सारे अपने, उनकी मदद लीजिए, हेल्प लीजिए और अचीव कीजिए. एक ही फील्ड नहीं है, दुनिया में काम बहुत है, मगर कौन सा भी काम करते हैं अच्छा एजुकेट होके, अच्छी ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से, मेहनत से काम कीजिए. सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ लिए, आके खाए, बिरयानी खाए, सो गए, इससे कुछ नहीं होता. आज ये हालत है, कल अगर यही कंटिन्यू हुआ तो हम लोग रस्तों पे झाड़ू मारते हुए नजर आएंगे, टॉयलेट साफ करते हुए नजर आएंगे. मेरा इशारा किस तरफ है आप लोग जानते हैं. बहुत सारी वैसे हालात भी हैं कि रोकने जैसे हालात, और उसके हम खुद जिम्मेदार हैं. जब हम खुद आगे आना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, कुछ अच्छा बनना नहीं चाहते, और सोच के देखिए हमारा 24 घंटे कैसे बीत रहा है, हमारे 24 घंटे कहां बीत रहे हैं, कैसे बीत रहे हैं, क्या करें. उस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. कभी मैं इस मौके पर हमारे मुजफ्फर साहब से बोलता हूँ, आपके सारे प्रोग्रामों में मैं आपके साथ रहूंगा, तो आप बोलिए. ये स्टेज फंक्शन से ज्यादा बच्चों को तैयारी करने में लगाएंगे हमारा वक्त. हमारा देखिए जैसा ही संडे वगैरह आता है तो ऐसे कामों में लग जाना चाहिए. एक अच्छा स्ट्रांग हमारा एक बॉन्डिंग होना है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और हेल्थ के लिए. बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं. एजुकेशन रहा तो हमारा दिमाग सोचने का ये बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट रहा तो हमारे जेब में पैसे हैं तो हमें कुछ काम कर सकते हैं. नहीं कहते कमाना कैसा, खाना कैसा, जिंदगी कैसा करना, जिंदगी गुजारना कैसा, इसके ऊपर तो. और हमारे इसमें कहीं ना कहीं तरबियत की बहुत बड़ी कमजोरी है. हम क्या समझते हैं, मदरसे को चले गए, 5 वक्त नमाज पढ़ लिए बच्चे तो उन्हें बहुत दीनदार, बहुत अच्छा करके समझ लेते हैं, वैसा नहीं है. ओवरऑल पर्सनालिटी एंड ओवरऑल तरबियत की जरूरत है, सच्चाई की, अच्छाई की, ईमानदारी की. वक्त को आप जाया कर रहे हैं तो यू आर क्रिमिनली वेस्टिंग द टाइम. हमारी मस्जिदें इतने हैं, मोहल्लेवार जमातें इतने हैं, हमारे रास्ते, सड़कें, मोहल्ले इतने गंदे क्यों हैं, इसके बारे में सोच कहाँ हो रही है. मस्जिद में बैठ को अगर मौजन साहब हैं, 5 वक्त की नमाज का वक्त होने के बाद आज पानी कहीं को नहीं आया, आज कचरा नहीं लेने जाने वाला कहीं को नहीं आया, एक छोटी सी भी अगर फिक्र हो गई तो हमारे मोहल्ले सुधर जाते हैं.